हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 11वां बाब 28 से 30 आयत तक। एक दिन यीशु ने लोगों से कहा, ऐसा थके मंदो और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूँ, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ नर्म और मेरा बोझ हल्का है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु ने दावा किया कि उसका और खुदा बाप का आपस में ताल्लुक लासानी है। खुद साख्ता रास्तबाज और अपने आप को अकलमंद और होशियार समझने वाले फरीसियों की बजाय यीशु बच्चों यानी दिल के गरीबों की तरफ मुतवज्जो होता है, जो कि अपनी ज़रूरत को जानते हैं और खुदा के मुकाशफा को सादा ईमान से कबूल कर लेते हैं। मसीह यीशु फरीसियों की तालीम के बोझ के हवाले से बात करते हैं और वो बोझ जो रोमी हुकूमत ने उन पर डाल रखा था। इसके बरअक्स इन आयात में मसीह लोगों के सामने बादशाही को पेश नहीं करता, बल्कि आराम और खिदमत को, बशर्ते कि वो उस पर ईमान लाएं। Radio Veritas Asia.